जैसे हो आप सभी आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और सितंबर एग्जाम्स में काफी अच्छा कर रहे होंगे आप सभी और काफी दिनों से जिसकी बेटा हमें वेट थी कि सीबीएसई कब अपना सैम्पल पेपर अपलोड करेगा लास्ट ईयर क्या हुआ था कि सेमेस्टर सिस्टम था इस साल कितना अपग्रेड करेंगे क्या क्या सैंपल पेपर में चेंज आएंगे काफी दिन से वेट कर रहे थे सभी बच्चे इस चीज की तो फाइनली सीबीएसई ने आज 16 सितंबर को अपलोड कर दिया है अपना सैम्पल पेपर तो थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं उसके बारे में डिटेल देखते हैं कि कैसे सीबीएसई ने इस बार हमारा जो फाइनल एग्जाम है बोर्ड्स का आने वाला है क्या क्या उसके अंदर क्वेश्चन की किस तरह से सेटिंग होगी थोड़ा उसके बारे में हम बात करते हैं क्योंकि बेटा सीबीएसई में बोर्ड्स में अगर हम बात करें कि हार्डवर्क तो बहुत जरूरी है बट थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी जरूरी होता है बोर्ड्स एग्जाम के लिए क्योंकि उसमें हमें क्वेश्चन पोर्शन कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं कुछ टाइप्स ऐसी होती है जिन पे हमें फोकस बहुत ज्यादा करना होता है कुछ टाइप का अगर बात करूं तो हाँ थोड़ा बहुत करने से काम चल जाता है देखो डिटेल स्टडी हमें करनी पड़ेगी सी भी तो देना है आप लोगों को ठीक है बोर्ड्स एग्जाम के पास तो डिटेल स्टडी हमें करनी पड़ेगी बट बोर्ड्स के अंदर जो परसेंटेज की बात करें हम तो वहां कहीं ना कहीं हमारा स्मार्ट वर्क भी बहुत काम आता है क्वेश्चन सिलेक्शन पोर्शन कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं आज के सीबीएसई सैंपल पेपर जो अभी अपलोड हुआ है तो देखिए बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पिछले साल आप सभी को पता है कि सेमेस्टर सिस्टम था इस बार टोटल कंप्लीट आपका 80 मार्क्स का एग्जाम आने वाला है उसके अंदर सीबीएसई ने फाइव सेक्शन बनाए हैं फाइव सेक्शन की बात करें हम सेक्शन वन सेक्शन ए जिसके अंदर 18 एमसीक्यू होंगे और टू असेशन रीजन के क्वेश्चन होंगे तो ये पहले असेशन रीजन वाले लास्ट ईयर नहीं आए थे इस बार एटीन एमसीक्यू प्लस टू इनको MCQ टाइप ही बोल सकते हो, बट थोड़े से 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 होते हैं हैं और 18 हमारे MCQ होंगे। इनके बारे बारे में में भी 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 मैं बताऊंगा कि कि आप लोगों को कौन से से कितने MCQ डाले जाएंगे या जो भी इनका पैटर्न है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक बार देख लेते हैं बेटा कि कैसे है? Next, अगर बात करता हूं फाइव वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे के नेक्स्ट सेक्शन सी की बात करें तो सिक्स शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे थ्री मार्क्स के ठीक है बच्चों और सेक्शन डी पे अगर हम आते हैं तो हमारे फोर लॉन्ग क्वेश्चन होंगे फाइव मार्क्स के जो पहले पैटर्न आता था कोविड से पहले की अगर बात करें हम वहां पे आपके बच्चों सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन आते थे फाइव यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है कि फाइव मार्क्स के फोर क्वेश्चन है और उसके बाद एक नया सेक्शन है सेक्शन ई e, जिसके अंदर थ्री केस स्टडी सोर्स बेसिस क्वेश्चन आएंगे ठीक है और वो फोर मार्क्स के होंगे ये देखिए पांच सेक्शन में डिवाइड कर दिया है एग्जाम को पहले फोर सेक्शन होते थे सेक्शन ए बी सी डी ई जो सेक्शन है वो केस स्टडी के ऊपर आ गया लगभग ये देख लीजिए जो नई एजुकेशन पॉलिसी आने वाली है धीरे 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 कहीं ना कहीं उसमें कन्वर्ट होती जा रही है चीजें अच्छा एमसीक्यू ज्यादा होने का बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा बच्चों कैसे कि आपने सीयूटी देना है एंट्रेंस बहुत सी यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में एंट्रेंस एग्जाम करने वाले हैं ग्रेजुएशन के लिए तो सीयूटी तो ऑलमोस्ट सभी को फेस करना होगा बेस्ट यूनिवर्सिटीज के लिए तो वहां पे सारा का सारा इस साल का जो सीयूटी का एग्जाम आया है उसमें टोटली totally एमसीक्यू थे और एमसीक्यू देखा जाए तो एनसीआरटी बेस प्लस अगर आप कोई भी हेल्प बुक थोड़ा सा भी करते हैं चाहे वो आर डी शर्मा है या फिर एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स है तो थोड़े से भी वहां से एम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं तो बेटा आपके मैथमेटिक्स की अगर बात करूं तो कंप्लीट पोर्शन कवर हो जाता है कुछ भी नहीं रहेगा सी में अभी हमारे स्टूडेंट्स हैं काफी सारे दे के आए हैं एग्जाम तो उनके ऑलमोस्ट फोर्टीन क्वेश्चन मैथ्स के थे जहां पे थर्टी फाइव है वो लगभग सभी के बहुत ईजीली अटेम्प्ट हो गए थे तो दिक्कत नहीं आएगी अगर आप सिर्फ एनसीआर प्लस एलिमेंट्स अगर कर लेते हैं एलिमेंट्स के एमसीक्यू कर लेते हैं आरडी से थोड़े बहुत एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं नोट की मतलब आपको आई आई जे या मेंस लेवल का आप करना है नहीं बोर्ड्स के साथ साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा डीप थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सी भी आपका निकल जाएगा और ये एटीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए जो बोर्ड्स में भी आपको हेल्प करेगा और वहां भी हेल्प करेगा बहुत बेनिफिट होने वाला है चलिए बच्चों सेक्शन ए की बात करते हैं पहले मैं थोड़ा सा इन क्वेश्चन को लेके बाद में बात करूंगा अभी मैंने जो पैटर्न बनाया है इनसे वो आपको दिखाता हूं ये देखिएगा बच्चों वैसे तो सीबीएसई ने अपना जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है जब सेशन के करिकुलम्स आए थे तो उसमें डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था कि जो रिलेशन फंक्शन यानी कि चैप्टर वन टू की हम बात करें तो वो हमारा एट मार्क्स का आने वाला है अब एट मार्क्स में यह नहीं पता कि मतलब चैप्टर फर्स्ट से कितना आएगा चैप्टर सेकंड से कितना आएगा वो अभी भी क्लियर नहीं है आप ये मत सोचना कि सैंपल पेपर में चैप्टर सेकंड से एक क्वेश्चन दे दिया है और फाइनल एग्जाम में चैप्टर वन से ज्यादा है कुछ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आइडिया है ये कह सकते हो कि नाइन्टी एट परसेंट तक जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन की सेटिंग है ये लगा लीजिए कि अगर सेकंड चैप्टर की अगर बात करूं एट में से इसमें से टू मार्क्स का आया या थ्री मार्क्स का आया तो हो सकता है बोर्ड्स में 98 चांसेस है कि वैसे ही एज इट इज आएगा क्वेश्चन क्वेश्चन लेकिन अप एंड डाउन हो सकते हैं ये सीबीएसई ने पहले ही मेंशन किया है कि आपका एट मार्क्स के दोनों चैप्टर है डजेंट मैटर की फर्स्ट से कितने का आएगा सेकेंड से कितने का आएगा वो भी मैंने अनालाइज किया है देखा है वो अभी अभी आपके साथ शेयर करने वाला वालाओं पर एक बार ये देख लें चैप्टर थ्री एंड फोर की बेटा अगर बात करते हैं वहां से हमारा टेन मार्क्स का आने वाला है और अगर मैं बात करता हूं चैप्टर 5 6 7 8 जो कैलकुलस पोर्शन है ये प्लस 2 की जान होता है कैलकुलस पोर्शन आपको बता दूं और बार-बार बताया जाता है प्लस 1 में भी जब पढ़ाया गया था कि ट्रिग्नोमेट्री uh, और आप लिमिट्स एंड डेरिवेटिव बहुत अच्छे से कर लीजिए क्योंकि पूरी प्लस 2 की कैलकुलस जो है वो इन पे डिपेंड करती है इन टॉपिक्स पे 35 मार्क्स बेटा बहुत ज्यादा होते हैं 80 में से 35 मार्क्स कैलकुलस कंटेन करती है तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा हमें उसके बाद एंड एंड चैप्टर इलेवन फोर्टीन मार्क्स के एल पी पी लीनियन प्रोग्रामिंग फाइव मार्क्स का और 13 थर्टीन और थर्टीन चैप्टर एट मार्क्स की है टोटल आपके एट्टी मार्क्स ट्वेंटी इंटरनल असेसमेंट होती है जो कि आपके स्कूल वाले टीचर्स लगा के बेचते हैं तो एक बार जो सैंपल पेपर आया उसको थोड़ा मैंने एनालाइज किया क्वेश्चन निकाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे या किस टाइप के दिए हैं तो उन पे बात करता हूं मैं जरा देखिएगा ध्यान से कि चैप्टर वन की अगर बात करें हम रिलेशन एंड फंक्शन बच्चों तो रिलेशन और फंक्शन से एक फाइव मार्क्स का क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा देखिए इसमें अगर मैं मैंने पिछले काफी सालों के पेपर स्टडी किए हैं यानी 2016, 17, 18, 19, 20 से अगर मैं देख

हाँ जी ये लेटेस्ट अभी जो अपलोड हुआ है बेटा वही सैंपल पेपर है सीबीएसई ने जो किया ये देखिए फाइव मार्क्स का जो क्वेश्चन है चैप्टर से वो किस चीज पे और पे पे है रिलेशन रिलेशन और बच्चों क्वेश्चन बहुत टाइम से आ रहा है पहले आप पिछले एग्जाम उठा के देखिएगा मैं डिटेल में सभी एग्जाम के सोल्यूशन दिसंबर तक सभी 2016 से लेकर 15 से लेकर 22 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं डिटेल में उनकी वीडियो बनाएंगे हर वीडियो में एक पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको किया जाएगा। तो यहां पे अगर बात करते हैं तो इसका ध्यान रखिएगा बेटा ये टॉपिक इक्विवेलेंस रिलेशन के जो भी अच्छे क्वेश्चन है यानी फाइव मार्क्स के लिए जो वैलिड है तो उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कीजिए ये भी देखिएगा सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक ये प्रूव करना है तो जुड़ा तो इक्वेलेंस टॉपिक से ही हुआ है ठीक है तो ये और है चॉइस आएगी फर्स्ट ये पक्का है कि आपका जो डी सेक्शन है उसमें एक तो यहाँ पे चॉइस है और एक नीचे थर्टी फोर क्वेश्चन में भी ऑप्शन आएगा चॉइस भी थोड़ी वेरी कर सकती है बच्चों किसी और चैप्टर के थ्रू भी आ सकती है यानी कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी चॉइस डाल सकते हैं बट सैंपल पेपर का वही बताया मैंने 98 पैटर्न यही रहता है इसी चैप्टर के किन दो क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी तो देखा जाए तो इक्वी बैलेंस का टॉपिक हमें बहुत अच्छे से करना है कैसे भी हो ये फाइव मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमें बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों आइएगा नेक्स्ट फर्स्ट चैप्टर में से एक टू मार्क्स का क्वेश्चन आएगा अगर मैं बात करूं बच्चों फर्स्ट चैप्टर से हमारा टू मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है वेट uh, करिएगा बेटा एक सेकेंड और एक सेकेंड बच्चों जी फर्स्ट हाँ, चैप्टर से अगर बात करूं बच्चों में तो हमारा फर्स्ट चैप्टर से एक टू मार्क्स का क्वेश्चन है जो आएगा वो सेकेंड चैप्टर के साथ टू मार्क्स के क्वेश्चन के साथ ऑप्शन में आ रहा है क्वेश्चन है टू uh, मार्क्स में सेक्शन बी हमारा आ जाता है सेक्शन बी में जरा ध्यान से देखिए एक क्वेश्चन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये आपका रिलेशन एंड फंक्शन का है तो उसके साथ ऑप्शन में दिया जाएगा ठीक है तो फर्स्ट चैप्टर की अगर बात करूं तो मैं एक तो क्लियर है इस बात का कि फाइव मार्क्स का क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से आएगा ही आएगा और एक टू मार्क्स का क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर से अच्छा वन वन ऑन टू ये ध्यान रखिएगा बेटा कि अगर आपका फाइव मार्क्स का क्वेश्चन इक्वेलेंस रिलेशन पे पूछा गया है तो जो टू मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो आपका फिर वन वन ऑन टू पे पूछा जाएगा ये नहीं कि दोनों इक्विवेलेंस पे पूछ लेंगे तो अगर यहाँ पेगा तो on कि वन वन ऑन टू प्रूव करो सबजेक्शन है बाइजेक्शन वाला उसके बाद वन मार्क्स का क्वेश्चन एक आई टी एफ इनवर्सोमेट्रिक फंक्शन से बनता है और वन का इसके साथ चॉइस में आएगा बेटा ठीक है तो ये हमारा आठ नंबर का चैप्टर था तो फाइव का तो यहाँ से हो गया ठीक है 5 और यहाँ से आएगा, 5 6, 7, 8, ठीक है? 8 के दोनों कंप्लीट होते हैं जो अभी हमने स्टार्टिंग में देखे थे दे दोनों चैप्टर उसके बाद करते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट तो बेटा नो डाउट ये स्मार्ट वर्क है यहाँ पर जो अभी चल रहा है आप ये प्लानिंग करेंगे ये स्मार्ट वर्क है कि हमें ये देखना है कि पिछले इतने साल से सीबीएसई ने जो फाइव मार्क्स का क्वेश्चन बड़ा एक मैट्रिक्स से आ रहा है वो आपने प्री बोर्ड में भी फेस किया होगा अभी कहा से आ रहा है मैट्रिक्स इक्वेश को सोल्व करना और इस क्वेश्चन को अभी तक सीबीएसई ने काफी सालों से कभी चेंज नहीं किया है पिछले 20 साल में देखोगे तो कॉन्टिन्यूसली मैं बता सकता हूं कि 18 साल से मैट्रिक्स का ये क्वेश्चन तो पक्का आ ही रहा होगा आप चेक कर लेना मैंने जितने भी पेपर चेक किए हैं उनमें फाइव मार्क्स का जो एक बड़ा क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स इक्वेशन को सोल्व करना आएगा ही आएगा बच्चों आपको थोड़ा सा एक बार मैं दिखा भी देता हूँ ये देखिए ये देखिए सिंपली आपने प्री बोर्ड्स में यूटीज में ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा फाइव मार्क्स का कि इन्वर्स निकालो देन इनवर्स का यूज करो इक्वेशंस को सॉल्व करो कई बार हमें इक्वेशन खुद भी बनानी पड़ेगी जरूरी नहीं है कि वो इस टाइप से इक्वेशन दे देगा और स्टेटमेंट भी दे सकता है जिससे हमें इक्वेशन खुद पहले फॉर्म करनी पड़ेगी देन उनको सॉल्व करना पड़ेगा तो ये टॉपिक तो बेटा आपको करना ही करना है तो ध्यान से मैट्रिक्स का ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये आपको करना ही करना पड़ेगा सेकेंड मैट्रिक्स का एक नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें सिंपली पूछा जाएगा कि आप लगा लीजिए कि मैट्रिक्स uh, बनाओ या कुछ ए और बी की वैल्यू निकालो इक्वल मैट्रिक्स दे देंगे या कुछ क्यों सिमेट्रिक पे पूछ लेंगे क्वेश्चन ठीक है डिटर्मिनेंट की बात करें डिटर्मिनेंट बच्चों आप एक बात बताइए जब भी मैंने डिटर्मिनेंट करवाया है तो डिटर्मिनेंट में बार बार जो मेरा फोकस रहा है मैंने सिर्फ एक बात बोली आपको कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज जरूर एडजोइंट की प्रॉपर्टी जरूर करे अब चारों एमसीक्यू हैं तो आप समझ जाइए मैक्सिमम जो क्वेश्चन इनमें से बनेंगे टू टू थ्री क्वेश्चन वो प्रॉपर्टी के ऊपर बनेंगे आपको प्रॉपर्टी की मोड ऑफ थ्री ए बी इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज थी कैसे कॉन्स्टेंट बाहर आता है तो डिटर्मिनेंट की अगर बात करें तो वहां से आपको बहुत अच्छे से इनकी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए वैसे ये क्वेश्चन अगर देखें तो इनवर्स और डिटर्मिनेंट का मिला के है बेटा अगर मैट्रिक्स की बात करूं तो आप इस क्वेश्चन को ना आप यहां भी काउंट कर सकते हैं फोर्थ में मैट्रिक्स का भी है और डिटर्मिनेंट में भी काउंट कर दीजिए आप क्योंकि इसमें एडजोइंट निकलेगा इनवर्स निकलेगा और ये सारी अगर मैं एनसीआर बुक की बात करता हूं तो ये क्वेश्चन कहाँ से है ये क्वेश्चन आपका फोर चैप्टर से है डिटर्मिनेंट से है, अगर मैं एनसीआरटी बुक की बात करूं बट अगर मैं बात करता हूं आर uh, डी शर्मा की अगर मैं बात करता हूं एलिमेंट्स की तो उसमें एक मैट्रिक्स कंटिन्यू करके नाम दिया गया है चैप्टर को मैट्रिक्स कंटिन्यू में फिर ये चीजें डाली गई है जो डिटर्मिनेंट का यूज तो है ही है इसमें मैट्रिक्स कंटिन्यू करके उसमें अगर एनसीआर की बात करें तो फिर हम इसको डिटर्मिनेंट में भी काउंट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन भी बनता है बट ये फेमस क्वेश्चन है बेटा मैट्रिक्स का और डिटर्मिनेंट मिक्सअप है आपको पता है कि क्वेश्चन क्या है इक्वेशन को सोल्व करने वाला रही फोर वन वन मार्क्स के क्वेश्चन तो इन वन वन मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको बता दिया है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए आप लोगों को अगर डिटर्मिनेंट के चार वन वन मार्क्स के क्वेश्चन अगर एक बार आप देखना चाहते हैं तो देखिए बेटा डिटर्मिनेंट के जो डाले हैं इन्होंने एक तो डिटर्मिनेंट का सबसे पहले ये देखिए स्कोर्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें मैंने कहा था ना कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा या सिमेट्रिक पे पूछ लेंगे अच्छा इसके बाद यहाँ पे डिटर्मिनेंट की अगर बात करें डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पे आ गया है तो प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए उसके बाद अगर हम बात करें फिर डिटर्मिनेंट पे क्वेश्चन आ रहे हैं सिंगुलर नॉन सिंगुलर ये देखिए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं इनवर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं ये देखिए डिटर्मिनेंट में एक्स और वाई की वैल्यू निकालना ये बहुत अच्छा ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन ये चारों क्वेश्चन आपके डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पे है तो बहुत अच्छे से उन प्रॉपर्टीज को देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन मैट्रिक्स और से जो आएगा वो आपको बहुत अच्छे से पता लग चुका है बेटा तो उसका ध्यान दीजिए नेक्स्ट अगर बात करें आपका सबसे फेवरेट चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी अच्छा ये दोनों एक बार देखना बेटा फाइव मार्क्स का तो यहां से हो गया

कि फाइव क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे और एक क्वेश्चन आएगा जो मैट्रिक्स की को सोल्व करना है जो मार्क्स का आएगा वो है, लेकिन ये कर सकते है, ये आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा ओके? इसके बाद, बाद करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंडिटी कॉन्टिन्यूटी और अब ये मत सोचना कि यहां से प्यारे बच्चों ये इन पांच चैप्टर का कॉम्बिनेशन है यहां से यहां तक और ये पांचों के पांचों चैप्टर आपके मार्क्स के थर्टी फाइव मार्क्स के ये वेरी कर सकते हैं अप एंड डाउन हो सकते हैं कभी कभी किसी किसी से से आ गया क्वेश्चन आ गया बट अगर मैं बड़े क्वेश्चन की बात करूं तो बड़ा क्वेश्चन यहां से सैंपल पेपर में जो डाला गया है एओ आई से डाला गया है बच्चों फाइव मार्क्स का क्वेश्चन डाला गया है एओ आई से और फोर मार्क्स के एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ओके यहाँ पे एक बार रुकिएगा बेटा यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ ये ए और डी है हमारा और यहाँ पे टू जो क्वेश्चन बाद में बात करूंगा मैं वो हमारे बच्चों ए और डी से हैं ये अभी आपको दिखाई भी गए ना कि यहाँ से तो बड़ा क्वेश्चन जो डाला गया है एओ आई से और बनता भी है बनता भी है ए आई का क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ से दो बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं या तो ये फाइव मार्क्स का क्वेश्चन ए ओ आई से आएगा बच्चों या फिर ये फाइव मार्क्स का क्वेश्चन एओडी पे शिफ्ट हो जाएगा एओडी पे आप जानते हैं ना कि सिलेंडर वाले क्वेश्चन हो गए या फिर कौन वाले क्वेश्चन हो गए जिनमें मैक्सिमा मिनिमा का यूज करना है तो वो आ सकता है मार्क्स में क्वेश्चन अगर फाइव में आएगा तो एक टू 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 मार्क्स के दो की अगर बात करूँ मैं जो केस स्टडी बेस क्वेश्चन आ रहे हैं ये हमारे फोर मार्क्स के स्टडी बेस तो ये शिफ्ट हो जाएंगे मेरे कहा में

और वन क्वेश्चन टू मार्क्स का जो है वो भी इन्होंने यहां से से दिया हुआ है तो अगर 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 इनकी देखें अगर बेटा हम तीन वन वन मार्क्स के क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी uh, का ये देखिए ये शायद इस टाइप का एक एनसीईआरटी में भी है एलिमेंट्स में हंड्रेड परसेंट श्योर है कि ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी का आपका आएगा ही आएगा वन मार्क में उसके बाद डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आया हुआ है वन मार्क में एंड uh, उसके बाद अगर बेटा हम बात करते हैं तो आप देखिएगा वन मार्क में अगर हम बात करें तो यहां से फिर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है तो इस टाइप के डिफ्रेंशिएशन और कॉन्टिन्यूटी मिला के आप लोगों के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं वन मार्क्स के थ्री क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आएगा टू मार्क्स का इसी तरह से बच्चों हम चलते हैं ए ओ डी पे ए डी पे यहां पर वन मार्क्स का एक टू मार्क्स का सॉरी टू मार्क्स का एक वन क्वेश्चन दिया गया है और टू मार्क्स का जो क्वेश्चन है इसमें रेट ऑफ चेंज से दिया गया है जो कि एनसीआर की सिक्स पॉइंट वन से है रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है और यहां पे टू क्वेश्चन फोर फोर मार्क्स के केस स्टडी बेस क्वेश्चन है बच्चों ये ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक सेकेंड रुकना बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये केस स्टडी के क्वेश्चन ये इस बार आपके लिए बहुत कई बच्चों के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग होंगे ही क्वेश्चन बने हुए केस स्टडी अगर मैं फर्स्ट केस स्टडी की बात करूं तो ये भी किसी पर्सन और इक्वेशन इंटरवल है उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं देन उसके बाद इंटरवल में स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बनाना है लोकल मैक्सिमा मिनिमा और केस स्टडी टू जो सेकंड आया है इसमें भी इसके अंदर भी इंटरनल चॉइस है बेटा थर्ड में ये one, one ये वन वन मार्क्स मार्क्स के हैं और अकेला का है तो यहाँ भी क्रिटिकल पॉइंट लेंथ ब्रेथ और मैक्सिमा मिनिमा वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा पे आपका क्वेश्चन बन रहा है अच्छा और एक ये प्रॉबेबिलिटी का इसकी आगे बात करेंगे तो ए ओ डी से अगर बात करें तो दो क्वेश्चन बने हुए हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा पे केस स्टडी और आपको पता होना चाहिए बेटा कि मैक्सिमा मिनिमा केस स्टडी के लिए सबसे परफेक्ट टॉपिक है अगर केस स्टडी देनी है है तो 100 तो मैक्सिमा मिनिमा से एक एक क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा आएगा ही आएगा। और मार्क्स का वो हो सकता आपका इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ ले नॉर्मली ठीक है वो एक फेमस क्वेश्चन बनता है वरना फिर आपको बताए इसने कहा से दिया है इसने सैंपल uh, पेपर में जो सीबीएसई ने अभी डाला है बच्चों वो रेट ऑफ चेंज का डाला है इंटीग्रेशन सबसे प्यारा टॉपिक जो प्लस टू का है इंटीग्रेशन बच्चों यहां पर थ्री मार्क्स के थ्री क्वेश्चन है ये देखिए कॉलम थ्री मार्क्स का थ्री मार्क्स के आपके थ्री क्वेश्चन डाल रखे हैं सैंपल पेपर में तो नाइन मार्क्स का तो यहां से डायरेक्ट हो गया और वन मार्क्स का एक क्वेश्चन डाल रखा है तो इंटीग्रेशन तो बच्चों बस समझ जाइएगा ये तो बहुत अच्छे से करना है आपको क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद ही आप ये कर पाएंगे और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन हो पाएगी उसके बाद चलते हैं एवाई से नो डाउट एवाई एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से एक बड़ा क्वेश्चन बनना ही है ये यह यहाँ यहाँ इनमें से कहीं भी शिफ्ट हो सकता है और एओआई का जो बड़ा क्वेश्चन है वो शेड्यूड एरिया का रीजन निकालना आपको अभी दिखा देते हैं बच्चों अभी सितंबर एग्जाम के टाइम मैंने आप लोगों को काफी प्रैक्टिस भी करवाई थी इस चैप्टर इस क्वेश्चन की याद करो आ, हमने जब ऑफलाइन किया था ये क्वेश्चन इस टाइप का मैंने जरूर करवाया था एक तो ट्राइंगल वाला है जो परफेक्ट क्वेश्चन है बहुत सालों से फेमस रहा है कि ट्राइंगल के तीन कोऑर्डिनेट या तीन इक्वेशन दे देंगे और रीजन का एरिया निकालने, का एरिया निकालना है लिमिट्स डाल के एक तो ये क्वेश्चन बनता ही बनता है बहुत फेमस है सेकेंड अगर मैं बोलता हूं तो ये लेस देन इक्वेलिटी वाला क्योंकि इसमें आपको शेड एरिया किस तरफ होगा जो प्लस वन में आपने लीनियर प्रोग्रामिंग सॉरी लीनियर इनइक्वालिटी में जो ग्राफ बनाए थे तो वो यूज होंगे यहाँ पे शेड्यूड पोर्शन कहाँ होगा पैराबोला बनेगा ठीक है रीजन कहां जाएगा एक्स एक्सिस है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले क्लासरूम में डिस्कस भी किया था बच्चों आप लोगों से तो इसका ध्यान रखिएगा इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आगे हमारा चैप्टर आता है बेटा ए वाई के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आज बता देता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन का बेटा जो क्वेश्चन बनेगा आपका वन मार्क का वो गारंटी है डिग्री और or पे बनेगा और ये आज से नहीं ये सीबीएसई की परंपरा रही है जब जब इन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन से मार्क्स का क्वेश्चन डाला है तो हमेशा या तो क्या डालेंगे कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाली जो लीनियर इक्वेशन आएगी ना डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसको सॉल्व करना होगा उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा एक तो वहां से बनता है अदरवाइज डिग्री एंड ऑर्डर पे क्वेश्चन बनता है वही इन्होंने डाल रखे हैं दोनों वन वन मार्क्स की अगर बात करूं जरा देखिए वेट कीजिए बेटा अभी निकालते हैं हम आपके ये देखो, ये देखो देखो डिग्री डिग्री एंड ऑर्डर पे जो क्वेश्चन बना हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन का की इनका सम पूछ लिया किसी भी तरह से वो डिग्री और ऑर्डर पूछेंगे तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पिछले को कितने भी आप एग्जाम उठा के देख लीजिए डिग्री और ऑर्डर पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली पूछे जा रहे हैं इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों सेकेंड uh, क्वेश्चन जो इन्होंने ये रहा जर्नल सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन दिस दिस तो इसका एक जनरल सोल्यूशन पूछ रखा है यहाँ पे और कई बार जो मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों ये स्मार्ट वर्क होता है कि बार बार सीबीएसई कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है उस पोर्शन पे अगर अटैक किया जाए तो आपके हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड बहुत आसानी से आ सकते हैं देखो आपने एक बार तो सिलेबस बहुत अच्छे से करोगे डिटेल में करोगे प्रैक्टिस भी करोगे बट एंड टाइम में दिसंबर में जाके जैन में जाके जब पूरा प्रिपेशन आपकी हो जाएगी तब यह लगता है कि यार किन टॉपिक्स पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है बट अगर अभी से आप उन टॉपिक को थोड़ा सीरियस लेके चलो कि यहाँ से सीबीएसई ने क्वेश्चन देना है यार तो इस टाइप के डिग्री और आप ऑर्डर के क्वेश्चन मुझे करने ही करने बहुत अच्छे से तो यहाँ पे एक नंबर के लिए आप लोग बहुत सारे डिग्री और ऑर्डर के क्वेश्चन एक साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा ठीक है बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड थ्री मार्क्स का क्वेश्चन की अगर बात करूं तो बच्चों क्वेश्चन वैक्टर वैक्टर प्यारे बच्चों बहुत ही प्यारा चैप्टर है वैक्टर एंड थ्री इन दोनों की अगर बात करें तो देखिएगा बच्चों वैक्टर एंड थ्री डी और इलेवन से मिलाकर सीबीएसई ने कितना फोर्टीन मार्क्स का मार्क्स मार्क्स का पेपर सेट किया है जो है जो कि काफी ज़्यादा और अगर बात करें वेक्टर की तो वैक्टर से मैं बता देता हूं बच्चों प्रोजेक्शन पे याद रखिएगा प्रोजेक्शन पे वन मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है प्रोजेक्शन एक आपके जब वेक्टर करेंगे तो जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा जब हम करेंगे तो डिटेल में आपको बताएंगे भी कि एक वेक्टर की दूसरे पे प्रोजेक्शन का जो स्केलर प्रोजेक्शन है उसका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा जो कि इस सैंपल पेपर में भी पूछा गया है तो थ्री मार्क्स के आपके वेक्टर के दिए गए वन वन मार्क्स के थ्री क्वेश्चन आपके वेक्टर से दिए गए हैं और टू टू मार्क्स के टू क्वेश्चन भी वेक्टर से दिए गए हैं तो फोर्टीन में से अगर मैं वेक्टर के सैंपल पेपर में जो दिए हैं उसके अकॉर्डिंग बात करूं तो बच्चों ये बनते हैं two, two, four, और मार्क्स का आपका वेक्टर का चैप्टर यहाँ से डाला गया सेवन मार्क्स का और सेवन मार्क्स का ही यहाँ से होगा अच्छा सेकेंड एक बात बता दूं इसका जो टू मार्क्स का एक क्वेश्चन है ना बच्चों उसके लिए ऑप्शन दिया गया है एक थ्री से डाला गया है और एक टू मार्क्स का क्वेश्चन है जो वैक्टर से दिया गया है। उसके साथ थ्री का एक ऑप्शन में रखा गया है तो इन दोनों में से कोई भी आ सकता है यहां का भी यहां का भी आप देख लेना बड़ा क्वेश्चन थ्री से ये बेटा हंड्रेड परसेंट मैं इस पे लगा देता हूं आपका कि ये गारंटी है हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा थ्री से अच्छा एक और बात इस साल सीबीएसई ने थ्री में से प्लेन को हटा दिया है ये बहुत बहुत बड़ा चेंज है बच्चों ध्यान से सुनिएगा सीबीएसई ने जो इस साल का सिलेबस है वहां से प्लेन को हटा दिया है सिर्फ लाइन को रखा है थ्री चैप्टर में पहले प्लेन और लाइन आते थे और प्लेन और लाइन के जो क्वेश्चन बनते थे मिक्स बेटा वो जबरदस्त क्वेश्चन होते अल्टीमेट क्वेश्चन होते थे लाइन एंड प्लेन के और मजे भी बहुत आते थे करते हुए भी लेकिन अब प्लेन को शिफ्ट कर दिया हटा दिया है इस साल सिर्फ आपके लाइन के पोर्शन को रखा गया है तो लाइन का पोर्शन बहुत इजी है और बहुत आसानी से हो जाएगा तो ये सिक्स मार्क्स है जो फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा बिल्कुल फ्री है मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल फ्री के मार्क्स है थोड़ा सा कंसंट्रेशन से अगर आप लाइन को समझेंगे तो आपके ये हंड्रेड परसेंट ये क्वेश्चन आपका ठीक होगा कोई चक्कर ही नहीं है इस क्वेश्चन के गलत होने की एंड तक मैं थ्री की वेक्टर की सभी वीडियोस फ्री में यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं है कोई भी बच्चा चाहे वो देख सकता है ठीक है तो आराम से इन चैप्टर की डिटेल में एलिमेंट से हम करेंगे और एंड में दिसंबर में हम इनको अपलोड कर देंगे तो वहां से आप लाइन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से देख सकते हैं और टू मार्क्स के दो छोटे क्वेश्चन भी आएंगे थ्री से नॉर्मली डायरेक्शन को साइन पूछ लेते हैं डायरेक्शन रेशियो पूछ लेते हैं नाइनटी नाइन परसेंट आप देख लेना बेटा एक क्वेश्चन डायरेक्शन को साइन और डायरेक्शन रेशियो पे हंड्रेड परसेंट मिलेगा एलपीपी की बात करें एलपीपी का बड़ा क्वेश्चन तो आता ही आता है बड़ा मतलब कि इन्होंने थ्री थ्री मार्क्स में ये क्वेश्चन दिया है थ्री मार्क्स में ग्राफ बनाना आएगा शेड्यूल रिविजन करना आएगा कॉर्नर पॉइंट निकालने कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा वो देखना है कि कहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू बन रही है शॉर्ट क्वेश्चन फिजिबल रीजन के बारे में बेसिक से पूछ सकता है यब ये जो दो क्वेश्चन है ना बच्चों ये ध्यान रखना बेसिक से आएंगे एल आपको एलपीपी का ग्राफ बनाना सभी को आ जाता है इक्वेशन सोल्व करके ग्राफ बना लिया ओके okay, शेड्यूडीजन कर दिया वो आ जाएगा आपको बट मेन बात क्या है बच्चों की बेसिक कॉन्सेप्ट ये बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं अगर मैं बात करूं तो ये ध्यान रखिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट से यहां क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एलपीपी के तो वो जब एलपीपी चैप्टर करें तो उसमें हर एक चीज डिटेल में पढ़ना की क्या चीज है फिजिबल रीजन क्या है बाउंड्रीड रीजन क्या होता है कॉर्नर पॉइंट पे क्यों मैक्सिमा निकलते हैं ठीक है थीके? तो ये चीज देखिएगा प्रोबेबिलिटी की बात करें प्रोबेबिलिटी पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये याद रखिएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थर्टीन जो एक्सरसाइज एनसीआर की है पे एक नंबर का क्वेश्चन से बनने के 99.9 चांसेस चांसेस 9, 9 है बच्चों ये ध्यान मत भूलिएगा बेस थ्योरम एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी में जहां से वही बात जो मैंने एक बार पहले कही थी पिछले पंद्रह साल के उठा के देख लीजिए तेरह से बारह से तेरह साल में

Analyze करने का फायदा क्या है आपको समझाने का फायदा क्या इनसे कैसे फायदा उठा सकते हैं कि बच्चों ये जो टॉपिक सीबीएसई ने क्वेश्चन डाले हैं जैसे मार्क्स 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 के के अगर मैं बात करूं फोर क्वेश्चन है ये एक वन ये देखिए फोर क्वेश्चन ट्वेंटी मार्क्स का पेपर ट्वेंटी मार्क्स का पेपर आप पहले से आपको पता है क्या होगा मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि आप ये देख लीजिए एक यहां से थ्री का लाइन का लाइन की दो लास्ट की आ, एक्सरसाइज एलिमेंट्स की जब मैं कराऊंगा तो आपको बताऊं भी का डिटेल में कि लाइन का ये क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पांच छह टाइप बताऊंगा उनमें से पक्का आपका एक मार्क्स का अटेम्प्ट हो जाएगा ए ट्रेंगल तो फेमस है ही है ट्रेंगल का एरिया निकालना देन अगर उसके बाद मैं शेड्यूड रीजन का निकालता हूँ लेस देन ग्रेटर देन वाले में तो हंड्रेड परसेंट वहां से क्वेश्चन बनेगा मैट्रिक्स का नो डाउट इक्वेशन को सोल्व करना वन 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 टू के जो बड़े क्वेश्चन है या फिर इक्विवेलेंस बैलेंस प्रूव करने वाले वो भी अगर अगर आप अच्छे से पिछले आठ दस पेपर लास्ट ईयर के एनालाइज करो तो बच्चों आप देखिएगा सेम क्वेश्चन बार बार इक्विवेलेंस रिलेशन में पूछे जा रहे हैं एक तो ए बी या डी बी जो सैंपल पेपर में दिया या इस टाइप के तो ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूं कि विद इन वन डे अगर आपका सिलेबस एक बार हो चुका है तो एक दिन के अंदर इन बीस मार्क्स की तैयारी कर सकते हैं पांच पांच नंबर वालों की ये ध्यान रखिएगा तो लास्ट तक आप वीडियो देखते रहिए बच्चों लास्ट तक हम ये जो मेन मेन टॉपिक है जो मेन मेन बातें मैं बता रहा हूँ जिन पे मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले हैं वो बच्चों आप लोगों को इन सभी की वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी तो आप चैनल पे जुड़े रहिएगा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी नई वीडियो जितने भी नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए वो आपको जितना जल्दी हो सके मिलते रहें और अच्छे से तैयारी कीजिएगा बच्चों जितना मैं कर सकता था इसको आपको समझा सकता था कि कैसे सैंपल पेपर सेट हुआ है कैसे हमें करना है तो वो मैंने क्लियर कर दिया है आपको एक बार फिर मैं बता देता हूं कि लास्ट में 38 क्वेश्चन होंगे जिसमें एक क्वेश्चन लास्ट के तीन क्वेश्चन जो हैं वो आपके टोटली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों ठीक है केस स्टडी में आपके जो पहले दो क्वेश्चन है उनमें ये जो फर्स्ट दो पार्ट वन वन मार्क्स के हैं और थर्ड वाला टू मार्क्स का है सेकंड केस स्टडी में भी ये दोनों वन वन मार्क्स के और थर्ड वाला टू मार्क्स का जिसमें चॉइस भी दी हुई है एंड जो फोर्थ केस स्टडी है इसमें दोनों ही टू टू मार्क्स के हैं दोनों ही टू टू मार्क्स के हैं तो ये ध्यान से सैंपल पेपर को बहुत अच्छे से देखिए उससे ऊपर आपके जितने भी अच्छा चॉइस देखना सेक्शन डी में आपको क्वेश्चन 33 में एक चॉइस मिलेगी और यहाँ पे 34 में एक चॉइस मिलेगी यानी कि थ्री के अंदर एक तो लाइन ही है बच्चों एक तो लाइन वाला टॉपिक है जो प्लेन वाला मैं बता रहा था कि इस साल कैंसिल हो चुका है बट उसके साथ इन्होंने चॉइस भी दे दी है तो ये तो बेटा डबल बेनिफिट हो गया कि आपको गैस भी है लाइन लाइन करनी और लाइन के साथ चॉइस भी मिल रही है और कुछ गिनी चुनी टाइप है तो वो टाइप करके आप बहुत अच्छे से इनको अटेम्प्ट कर सकते हो ऐसे ही इंटीग्रेशन की बात करें मोड वाला बहुत फेमस होता है मोड वाला जैसे पहले लिमिट है था एक सेवन पॉइंट एट एक्साइज है एनसीआर की जो इस कोविड के चक्कर में कट कर दी गई है अदरवाइज जब से ही कट है अदरवाइज उसका क्वेश्चन एक हंड्रेड परसेंट आता था ठीक है तो ये एक लिमिट वाला हो गया या फिर एक ये बहुत इजी है बहुत ज्यादा इजी सेक्शन इसका देखिएगा इसमें अगर मैं बात करूं तो नीचे बना के, और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिएगा आपके हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड हंड्रेड परसेंट आएंगे तो इसी तरह से तैयारी करते रहिए बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक में बाय बाय